में आया हूँ। नहीं नहीं आपकी बात पड़े हुए रवि जी, मैं जो रहा हूँ आपके कार्यक्रम। नहीं नहीं रहूंगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो आपने ऐसा क्या किया कि आप देशभक्त हो गए और जो देश के लिए शहीद हो गया वो हिंदू विरोधी और देशद्रोही और उसका सर्वनाश हो गया? महबूबा मुफ्ती ने भारत माता की जय बोला, भारत माता की जय बोला, कब बोला? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे इतने बड़े बड़े मैनिफेस्टो में अभी तक आपने भारत की बुनियाद का एक सवाल नहीं पूछा। उस पर भी मैं आपके कार्यक्रम में आया हूँ। नहीं नहीं आपकी बात पड़े हुए रवि जी, मैं जो रहा हूँ आपके कार्यक्रम। नहीं नहीं रहूंगा रविशंकर जी, मैं उस पर भी बात कर। देखिए अगर आप मुझे तरीके से बात करेंगे मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी मैं अजीत अंजुन मेरी सारी सीधर, अगर आप सीनियर संपादक है तो मैं भी देश का एक सीनियर नेता हूँ। बिल्कुल इसमें हल्की बात करेंगे तो मुझे आपसे नमस्ते करना पड़ेगा। धन्यवाद। रवि जी मैं उस पर भी बात, रवि जी मैं उस पर भी बात करूंगा। मैं उस पर बात कर रहा हूँ आपसे रविशंकर जी मैं उस पर बात भी कर रहा हूँ। लेकिन सवाल तो ये है ना साध्वी प्रज्ञा सिंह कि वो देशभक्त थे क्योंकि देश के लिए गोलियां खाई। वो जिस रात निकले थे मुंबई में उस रात वहां पाकिस्तान से आतंकी आए थे और उसके बाद वो मारे गए आतंकियों की गोली से, उनके सीने पर गोलियां लगी और पूरे देश ने वो तस्वीर उस रात की देखी। आप ऐसे शख्स को जिसे देश ने एक जावाद के तौर पर देखा, जिसे अशोक चक्र मिला, उन्हें आप देशद्रोही कहते हैं, उन्हें आप हिंदू विरोधी कहकर एक जामा पहनाते हैं और साथ में आप खुद को देशभक्त कहती हैं। तो आपने ऐसा क्या किया कि आप देशभक्त हो गए और जो देश के लिए शहीद हो गया वो हिंदू विरोधी और देशद्रोही और उसका सर्वनाश हो गया? आप मुझे क्योंकि मैंने जो कहा है वो मैंने झेला है और जो व्यक्ति झेलता है उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। कानून के अंतर गैर कानूनी काम करने वाला वो था कि मैंने स्वयं ने झेला है, इससे ज्यादा मैं क्या कुछ कहूँ। इतनी गंदी गालियां देता था वो मुझे, इतनी भयानक गालियां देता था और वो एक ही बात कहता था, इतने गंदे बोलने के बाद मैं बोल नहीं सकती इस कैमरे पे। तब मैंने उससे कहा था जा अपनी बेटी से पूछ कि ये क्या होता है, क्या कहोगे आप इसको, था कोई इसका कानून, कौन था ये जो मुझे 13 दिनों तक गैर कानूनी रखा, क्या था ये कानून, ये कानून का रक्षक है क्या, किस प्रकार की बात करते हैं। संवेदनशीलता नहीं है कोई, हमारी संवेदना संवेदना नहीं होती, कौन सी संवेदना संवेदना होती है। ओम्बले जब मरा तो उसको, ओम्बले जब शहीद हुआ, ओम्बले जब आहूत हुआ तो क्यों उसको नहीं दिया था इन लोगों ने पुरस्कार, क्यों उसको पुरस्कार नहीं दिया था, ये मुझे जरा मेरा भी प्रश्न है, खड़ा कर रही हूँ कि क्यों उसको नहीं दिया था। अगर वो अमले नहीं होता तो कसाब भी पकड़ा नहीं जाता और दिग्विजय सिंह तरीके लोग हमें आतंकवादी सिद्ध कर देते। इसलिए प्रश्न समाज से करिए, प्रश्न इन कांग्रेसियों से करिए और ये समाज, ये राष्ट्र, ये जनता उनको उत्तर देगी। आप उस समय का इंतजार करिए। ये सही है प्रज्ञा सिंह, अगर आपके साथ कुछ टॉर्चर हुआ, ऐसी बात हुई तो आपको अदालत में जाना चाहिए था, कोर्ट में अपनी बात करती। देश में प्रधानमंत्री मोदी आपके शुभचिंतक हैं, राजनाथ सिंह आपके शुभचिंतक हैं, महाराष्ट्र सरकार आपके शुभचिंतक हैं, आप इन तमाम दरवाजों को खटखटाती। लेकिन आज आप चुनाव के वक्त अगर आप ऐसी कहानियां सुना रही हैं और साथ में आप करकरे को देशद्रोही कह रहे हैं, आपको अगर कांग्रेस से शिकायत थी आप कहिए, आपको हक है कहने का। लेकिन इस कांग्रेस से शिकायत के नाते अगर आप हेमंत करकरे के लिए कह रही हैं तो मुझे लगता है इसके लिए आपको एक बार सोचना चाहिए कि आपने देश के उन लाखों करोड़ों लोगों को जिन्होंने उन्हें एक शहीद के तौर पर देखा, उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं अपने चुनावी फायदे के लिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह शायद इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, बचना चाहती है। वो एक बहुत कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है, उमर अब्दुल्ला की भाषा बोलती है, बीच में रोक रहा हूँ। अफजल गुरु को शहीद महबूबा मुफ्ती मानती थी और अफजल एक मिनट सुन लीजिए, नहीं नहीं आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। अफजल गुरु को शहीद का दर्जा महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने दिया, महबूबा मुफ्ती की आतंकवादियों के समर्थक कुचलने वालों को खत्म कर रहा हूँ। अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने एक सुन इसका मतलब आप तय करके आए कि कमजोर नस पे हाथ रखे तो आप सुनेंगे। मैं पूछ रहा हूँ महबूबा मुफ्ती ने अफजल गुरु को आतंकवादी, महबूबा मुफ्ती ने अफजल गुरु को शहीद माना, अफजल गुरु को शहीद मानने महबूबा को बिल्कुल अपना साथी नहीं मानते और इनके पास जाते पाकिस्तान की जय। महबूबा मुफ्ती ने भारत माता की जय बोला, माता की जय बोला, कब बोला इन्होंने हमारे सरकार, कब बोला? आप एक बार मैं इस डिबेट को लंबा कर दूंगा,
के समर्थन मैं इस डिबेट को लंबा कर दूं। एक मिनट चिल्लाइए मैं यूट्यूब देता हूँ, आप प्ले करिए। एक मिनट सुनिए, देखिए आप दूसरे आप यूट्यूब पर सर्च करके एक वीडियो दिखाइए कि महबूबा मुफ्ती ने भारत माता की जय बोला। एक वीडियो दिखाइए, मोबाइल